संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे चलते हैं आज के सत्संग की तरफ. अध्याय चार. वैसे तो ऐसा कहूँ कि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट अध्याय है तो तुम्हें झूठ तो नहीं लगेगा ना, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगेगा ना. प्रभु तो ऐसा हर बार कहते हैं. कुछ न कुछ कारण होता है. आज का अध्याय कुछ ज़्यादा ही छू गया है मेरी चेतना को. कारण यही है कि भगवद गीता के अब तक के श्लोकों में, पहले अध्याय में कितने श्लोक थे? 47. दूसरे अध्याय में कितने थे? 72. तीसरे अध्याय में कितने थे? 43. कुल मिला के लगभग कितने हुए? थोड़ा थोड़ा लौटना है इसलिए बस. कितने हुए? तुम सब भी सक्रिय हो जाओ. लगभग 150 से ज़्यादा. 150 से ज़्यादा श्लोक हो चुके हैं. कभी कृष्ण बोलते हैं, कभी धृतराष्ट्र ने बोला, कभी संजय ने भी उवाच किया, कभी अर्जुन भी बोला. इतने इतने श्लोक हुए. लेकिन आज पहली बार ऐसा श्लोक आ रहा है जो भगवान भगवान होकर बोल रहे हैं. आज इससे पहले भगवान ने जब जब बोला, अर्जुन का मित्र होके बोला, सखा होके बोला, गुरु होके भी बोला, लेकिन आज का प्रथम श्लोक और आज से अब जो आगे धारा चलेगी वो कृष्ण भगवान होकर, भगवान की हैसियत से, भगवान की अथॉरिटी से अब ये श्लोक कहने जा रहे हैं. इसलिए चूंकि अब भगवान का वास्तविक अवतरण हो रहा है भगवद गीता के अंदर, अब तक अर्जुन के मित्र ने कहा, अर्जुन के सखा ने कहा, अर्जुन के सारथी ने कहा, लेकिन अब तक कृष्ण ने वही रोल निभाए. आज के इस अध्याय के शुरू से ही कृष्ण भगवान रूप में प्रवेश कर रहे हैं. वेलकम कर दो. और यही कारण है, तुम देखो तो वैसे तो पिछले अध्याय के अंदर बात भगवान उवाच में ही ख़त्म हुई थी. भगवान उवाच ही चल रहा था, बीच में अर्जुन बोला ही नहीं. भगवान ही श्लोक कह रहे थे, भगवान ही बात कर रहे थे, तो फिर यहाँ एक डिवीज़न देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तीसरे श्लोक से ही में ही आगे बात बढ़ा देते. लेकिन तीसरे को वेदव्यास जी ने ख़त्म किया और चौथे के अंदर वापस भगवान उवाच. कोई बोल रहा है, वही बोल रहा है, तो बात को एक ही चैप्टर में रखा जा सकता है कि नहीं? भगवान कृष्ण ही बोल रहे थे, उन्हीं की बात पे बात खत्म हुई थी. अब उन्हीं की बात से बात शुरू हो रही है, वापस आरंभ हो रहा है, तो चाहते तो वो इसको तीसरे अध्याय में ही डाल सकते थे ना. लेकिन नहीं, तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक, 43rd श्लोक अभी सखा बनकर कहा जा रहा है. और चौथे अध्याय के पहला श्लोक, ये डिवीज़न इसलिए देना पड़ा क्योंकि अब ये जो श्लोक आया ये भगवान उवाच है. भगवान भगवान के स्तर से आकर बात कर रहे हैं जो तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला. एक साथ तीन श्लोक ले लो. चतुर्थ अध्यायः श्री भगवान उवाच. इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह
manahu ikshvakave abravi. Evam parampara praptam evam rajarishah viduh sakalena iha mahata yogah par yogah nashtah parantapa. Sa evayam mayate yatya yogah proktah puratanah bhakte asime sakha chayate rahasyam hi etat uttamam. Bhagwan ne भगवान होते हुए आज अर्जुन को पहली बार मित्र कहा है, सखा कहा है. तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तुझे कहता हूँ कि मैंने इस अविनाशी योग को, योग यानी कर्म योग को, सूर्य से कहा था. सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से कहा, वैवस्वत ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, और इक्ष्वाकु से राज ऋषियों तक ये योग गया. कल मैं सोच रही थी कि ये अचानक बात आई क्यों, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, कोई बात अचानक से आ रही है, ये आया क्यों. अर्जुन ने ऐसा कहीं कुछ कहा नहीं, लेकिन अर्जुन के मन में मुझे लगता है कि ऐसी शंका हुई होगी कि जो कर्म योग की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, चैप्टर 2 के 39 श्लोक से ये बात का विषय का आरंभ हुआ, 38 तक सांख्य का विषय चला, चैप्टर 2 के 38 श्लोक तक सांख्य का विषय चला, और 39th के अंदर भगवान ने कहा कि या तो तू ज्ञान से कार्य करता है तो ज्ञान से कर ले, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ज्ञान से तेरा कार्य नहीं होता सांख्य दृष्टि से, तो अब तू कर्म योग को सुन. 39 श्लोक एक बार देख लो, तुम्हें वापस पता याद आ जाएगा सारा कि अभी तक हमने क्या किया. चैप्टर 2 का 39th श्लोक क्या है तुम्हारी किताब में, पेज नंबर 31 है. हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, यानी अब तक सांख्य योग शुरू हुआ 11वें श्लोक से भगवान उवाच से, और वहां से लेकर 38 नंबर के श्लोक तक मैंने सांख्य योग बताया, यानी ज्ञान दृष्टि बताई. तुम सीधे ज्ञान की दृष्टि से संन्यास्त हो सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन. अब मैं तुझे कर्म योग सुनाता हूँ कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा. भगवान ने यहाँ ये बात कही थी. इससे पहले तक ज्ञान सांख्य की बात चली थी. सांख्य एक दृष्टि है, बताया था सम्यक रूप से व्याख्या करना, ये सारी उसके अंदर भी चार बातें होती है वो सांख्य योग में. उसके बाद से शुरू हो गया कर्म योग. उसमें बीच में अर्जुन ने बाई चांस प्रश्न पूछ लिया कि स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं. स्थित प्रज्ञ के लक्षण की बात चली तो थोड़ा वो चली, फिर वापस थर्ड अध्याय के अंदर, तीसरा अध्याय आते ही वापस कर्म योग की बात चली. कहीं अर्जुन के भीतर ये शंका उठी, क्या ये कर्म योग पुरातन है, पुराना है, क्या ऐसा तो नहीं है कि मुझे समझाने के लिए तुमने कृष्ण नया नया निकाल दिया कर्म योग. ऐसा होता है ना कई बार, तुम्हें समझाने के लिए मैं नया नया एग्जाम्पल बना देती हूँ, तो ये नया नया एग्जाम्पल है कि ये पहले से चला आ रहा है. हमने तो अब तक सुना था, अर्जुन कहता है, हमने तो अब तक सुना था कि या तो ज्ञान से संन्यास की तरफ जाया जाता है, या तो ज्ञान से संन्यास की तरफ जाओ, या फिर ज्ञान से योग की तरफ जाओ, और या फिर संन्यास से योग की तरफ जाओ. आज तक हमने यही सुना था कि ज्ञान से परमात्मा को पहचानो निश्चय, या फिर संन्यास से परमात्मा को पहचानो व्यवहार. ये बीच में कर्म से योग होने की बात, कर्म योग की बात, तो मुझे लगता है कहीं कृष्ण तुम मुझे समझाने के लिए, युद्ध में धकेलने के लिए अभी नई नई तो नहीं ले आए. ये अर्जुन किसका प्रतीक है? विचारशीलता, हम सबका. अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है इस भगवद गीता में. तो अर्जुन को की जो साइकोलॉजी है ना, ये पूरे मनुष्य जाति की साइकोलॉजी है. कोई भी चीज पुरानी होगी ना, पहले कभी ऐसा हुआ तो तुम्हें भरोसा आ जाता है. अब पहले हुआ नहीं हुआ ये तुम देखने भी नहीं जाते, लेकिन कोई तुमसे कहे कि हाँ ये सब कुछ पहले हुआ है,
मुझे थोड़े समय पहले गला खराब था ना, तो मुझे कोई आके लड्डू दे गया, उसमें कुछ क्या क्या कुछ मिलाया था मुझे पता नहीं, और ना मेरे को जानने में रस था क्योंकि मुझे दोबारा बनाना भी नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, बेन प्रभु आजकल आपको सत्संग में भी खांसी आती है तो ये लड्डू बस आप खाइए, कुछ होगा उसमें मेडिसिनल क्वालिटी, तो लड्डू खाते ही आपकी ये खांसी चली जाएगी। ज़्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन सत्संग के बाद तुरंत मना भी नहीं करना चाहती थी तो लेके रख लिया। अभी अंदर सोच ही रही थी कि किसको दूंगी, क्योंकि जो कोई कुछ भी दे जाता है वो किसी ना किसी को लौटाना होता है, तो मैं खांसी वाले लोग ढूंढती हूँ। और ध्यान में सबसे ज़्यादा खांसी आती है लोगों को, तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है खांसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसको मैं ये लड्डू दे दूँ। तो अभी तो वो दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, लड्डू किसको बांटूंगी दूंगी मैं सोच रही थी, इतने में उन्होंने कहा कि प्रभु हमारी जनरेशन से ये रेसिपी चली आ रही है, हमारे बाप दादाओं ने भी ये खा के लड्डू खा के कैसी भी खांसी हो ना उसको मिटाया है। अब थोड़ा भरोसा हुआ, उनके बाप दादाओं को देखा तक नहीं मैंने, लेकिन मनुष्य का चित्त ऐसा है, क्या करे, दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी, जो प्रत्यक्ष है ना उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन किसी ने पहले ऐसा किया है ना, हमारे जनरेशंस की जनरेशंस ये लड्डू खा के खांसी हटाई है, तो मैंने कहा अब मैं थोड़ा रखती हूँ, थोड़ा बांटू ऐसा करूँ, लेकिन फिर सारा ही रख लिया। कहीं ना कहीं ये मनुष्य की मानसिकता है, इट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, प्रमाण मांगता है, पुरातन होने का दावा मांगता है। ये स्वराज क्रिया मैं कहूँगी मैंने निकाली तो तुम्हें लगेगा अरे माने ना माने क्या करे, कैसे स्वीकार करे, तुम्हारा भी मन कहीं ना कहीं खोजता है क्या ये क्रियाएं, ये ध्यान की यौगिक क्रियाएं पहले भी किसी ने की है कि हम ही पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, तुम्हें लगेगा ना कहीं बलि का बकरा हम ही तो नहीं बन रहे। नहीं, ये तो तुम्हारी श्रद्धा है, इसलिए अब तुम लोग और आज के सत्संग में तुम सुन चुके हो कि मुझे बस तुम्हारी श्रद्धा चाहिए, इस मात्रा में एक मात्रा में श्रद्धा मैं पाऊंगी, उसके बाद नए नए उजागर करूंगी, और तुम्हें लगता ही होगा कि आज कुछ नया हुआ है, इसका मतलब है कि ये पूरा समूह श्रद्धा के स्तर पर विकसित हुआ है, ज़रूर विकसित हुआ है। कहीं ना कहीं तुम्हें प्रमाण चाहिए, स्वराज क्रिया भी बेन प्रभु कहीं आपने तो नहीं निकाली, अब मैं तुम्हें कृष्ण को बुला के तो नहीं कह सकती, लेकिन कृष्ण द्वारा कही हुई पूरी भगवत गीता स्वराज क्रिया की तरफ ही इशारा कर रही है, ये इंटरप्रेट करा सकती। जब जब जिस जिस युग में भगवान ने अवतार लिया, यानी भगवत्ता के उस महासागर से निकलकर मनुष्य रूप में आए मनुष्यों के कल्याण के लिए, जब जब भगवत्ता के महासागर में से कोई बूंद अवतार रूप में मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुई, तो वह अपनी भगवत्ता को संभालने के लिए, अपनी वह अवतार पुरुष अपनी भगवत्ता को संभालने के लिए कोई ना कोई ध्यान की क्रिया करता था, और वो ध्यान की क्रिया कहीं ना कहीं हमारे स्वराज क्रिया के आसपास ही है। यहां कृष्ण भगवान क्या कह रहे, मैंने यह कर्म योग, इस अविनाशी कर्म योग को पहले सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से कहा, वैवस्वत ने आगे जाकर मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, और दूसरे श्लोक में आएगा राजऋषि से कहा, यानी इक्ष्वाकु कुल ने राजऋषि को यह परंपरा दी, किसकी, कर्म योग की। अब पहले तो ये समझ लो, जब कृष्ण मैं कह रहे हैं, जब कृष्ण यहाँ मैं कह रहे हैं, तो ये कोई व्यक्तिवाची की बात नहीं चल रही। बहुत ध्यान से समझने पड़ते हैं शास्त्रों को, क्योंकि शास्त्रों को कहने वाले परमात्मा निरंतर दो स्तर पर बात कर रहे हैं, दो डायमेंशन से बात कर रहे हैं। एक डायमेंशन समय के अंदर है, समय के भीतर, और एक डायमेंशन टाइम और स्पेस के बाहर है। जब वो टाइम एंड स्पेस के अंदर, समय और काल के अंदर बात करते हैं, समय और क्षेत्र के विस्तार के अंदर बात कर रहे हैं, तब वो कुछ और, तब भी बोलेंगे यही कि मैं श्री कृष्ण यह कह रहा हूँ, लेकिन एक क्षण आता है जब वो अचानक स्वाइप होकर समय काल और क्षेत्र टाइम एंड स्पेस के पार चले जाते हैं, वहाँ पर भी बोलने में यही आएगा, ये भाषा का संकुचितपना है, भाषा इतनी विराट नहीं है कि दोनों को अलग अलग
कोई शब्द दे पाए, दोनों में बोलेंगे मैं ऐसा कहता हूँ, लेकिन एक बार समय के भीतर रहकर बोल रहे हैं और एक वक्तव्य उनका समय के पार जाकर बात कर रहा है। तो जब भगवान श्री कृष्ण मैं कहते हैं कई बार, तो सखा रूप में बात कर रहे हैं। जब वह अर्जुन को महाभाव, पार्थ इन सब शब्दों से संबोधित करते हैं, तब कृष्ण सखा रूप में है। हे पार्थ, हे महाबाहू, हे परंतप, हे भारत, अलग अलग कितने नाम दिए ना अर्जुन को, गुड़ाकेश, कितने अलग अलग नाम थे। तो जब वो इन नाम से संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को, तब वह मात्र सखा है, सारथी है, मित्र है। लेकिन जिस क्षण श्री कृष्ण ये घोषणा करते हैं सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ जा, अब इस मेरी का अर्थ बदल जाता है। अब ये कालातीत, समयातीत, स्थानातीत व्यक्ति हो गए, अब ये भगवान होकर बोल रहे हैं। हर भगवान के साथ ये दुविधा होती है, शब्दों की मर्यादा है, बोलेंगे मैं, लेकिन ये मैं आज जो कह रहे हैं, मैंने इस अविनाशी योग को, ये वासुदेव नंदन कृष्ण नहीं बोल रहा आज, देवकी नंदन कृष्ण नहीं बोल रहा, जो गोकुल में खेला, वृंदावन में रहा, कंस को मारा, वो कृष्ण नहीं बोल रहा आज। कौन सा कृष्ण बोल रहा है? जो काल, समय, क्षेत्र इन सब से पार है, जो विराट महासागर से अपना योग साधे बैठा है, वो भगवत चेतना बोल रही है कि मैंने इस अविनाशी योग को किस किस को सुनाया? काल के आरंभ में सबसे पहले सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से कहा, वैवस्वत ने आगे जाके मनु से कहा, मनु ने आगे जाके इक्ष्वाकु को ये परंपरा दी, इक्ष्वाकु ने यह परंपरा आगे राज ऋषियों को दी, और उसके बाद प्रायः यह विद्या लुप्त हो गई। अर्जुन, तू मेरा डियर फ्रेंड है। आज कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। आज नॉर्मल वासुदेव नंदन नहीं बोल रहे, भगवान के हृदय में प्रिय होना अद्भुत होगी ये बात। आज भगवान कृष्ण को अपना मित्र कह रहे हैं, अपना सखा कह रहे हैं, और उससे भी पहले तू मेरा भक्त है। भक्त यानी जो श्रद्धा से भरा हुआ है, जो भक्ति से भरा हुआ है, और प्रिय सखा तो इसीलिए है क्योंकि तू भक्त है। भले अभी तेरे ऊपर मोह की लेयर आ गई है, अभी तो तेरे ऊपर मोह की लेयर आ गई इसलिए तू मुझे पहचान नहीं पा रहा, लेकिन तू मेरा भक्त है। इसलिए वही यह पुरातन योग, पुराना योग कौन सा? कर्म योग, अविनाशी कर्म योग, जो मैंने पहले सूर्य से कहा, सूर्य ने ये याद कर लेना क्योंकि इसका बहुत काम है आज, सूर्य से कहा, सूर्य ने वैवस्वत से कहा, वैवस्वत ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु ने राजऋषियों से कहा, और वही उसके बाद लुप्त हो गया। आज वापस तुझे कहता हूँ, कोई चीज़ खो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो थी नहीं, तुम्हारे काल मर्यादा से बाहर थी। तुम 1960 में पैदा हुए तो 1959 था कि नहीं था? था। उस समय कोई घटनाएँ घटी थी कि नहीं घटी थी? अभी जो बच्चे अभी पैदा हुए उन्हें 1977 में डीमोनेटाइजेशन हुआ वो उनको मालूम नहीं है, तो क्या डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ? हुआ था। इसी प्रकार अर्जुन तो अभी पैदा हुआ जब ये ज्ञान प्रायः लुप्त हो चुका है, ये गुप्त हो गया, खो गया है ऑलमोस्ट, इसका इस ज्ञान का आधार अब कोई नहीं लेते, लेकिन यह ज्ञान तो मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत को दिया, वैवस्वत ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने राज ऋषियों को दिया। ये रहस्य, यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। और भैया अर्जुन हो गए कन्फ्यूज़।